नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 15वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास तो वैसे 900, जी हाँ दोस्तों 900 तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर से जो है हमारा वीडियो शुरू हो चुका है। तो जिन जैसे भी लोग हो, जहाँ से भी हो, गाँव शहर या लड़के लड़कियाँ कोई भी हो या उनसे भी बड़े हों, एक्चुअली ये एक भाषा है। अगर लिखना सीखना चाहते हैं, अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। और अभी बस 15 ही दिन की क्लास हो रहे हैं, तो आप पीछे क्लास को देख सकते हैं और एक कॉपी बना लीजिए, जिससे कि आप लगे कि वाकई में आप इंग्लिश के लिए कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है, वो बिल्कुल फ्री में, और आप सीख चुके हैं, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग सीखें अंग्रेजी कैसे शुद्ध शुद्ध लिखेंगे या शुद्ध शुद्ध बोलेंगे, वो भी बिल्कुल ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके लड़के या लड़कियों की तरह, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में लोग होता है। या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम में उतना भी करेक्ट नहीं लिखेंगे जितना कि आप करेक्ट लिख सकते हैं। बोलने की बात हो तो बोलना एक अलग ही पैटर्न है, अलग ही सीखने का तरीका है। उसके लिए न तो आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, बोलने के लिए बस बोलने आना चाहिए। मान लीजिए बच्चा है, उसका जन्म सीधा, बच्चे को जन्म के बाद जैसे ही उसे इंग्लैंड में छोड़ते हैं, उसको कोई जो क्वेश्चन नहीं देते, ABCD का भी नहीं, तब भी वो बंदा, वो बच्चा जो है बड़ा होकर इंग्लिश ही बोलने वाला है। तो बोलना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन लिखना और पढ़ना एक अलग प्रक्रिया है। उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात है दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, तो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। और जहां से आप रीडिंग, जी हाँ दोस्तों, अगर पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो कि कमाल के होंगे। आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं और लिखना भी सीखेंगे बहुत ही करेक्टली, और बोलना भी सीख जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब लिखने आ जाएगा जैसे जैसे वैसे ही बोलने आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सब कुछ सीखेंगे ग्रामर की बुक्स के बिना, यानी ग्रामर के रूल रेगुलेशन को मैं सेट कर चुका हूँ। और बस आपको जब मेरे ये वीडियोस देख लेंगे उसके बाद आपको मैक्सिमम जो वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही करेक्टली जो है लिख और बोल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी अंग्रेजी लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद बनेगा। तो एक कॉपी ज़रूर बनाइए। जी हाँ दोस्तों, कॉपी बनाएंगे उनको फ़ायदा होगा, अगर नहीं कॉपी बनाएंगे तो बस इस वीडियो को देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा, 10 दिन तक याद रहेगा, लेकिन फिर 11वें दिन आप भूल ही जाएंगे। तो क्या होगा, कॉपी जब देखते रहेंगे, बार बार जब देखेंगे एक ही चीज़ को, तो याद हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा और आप अच्छे से सीख सकेंगे। तो कॉपी जो, तो चलिए बात तो आप समझ चुके होंगे और आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि देखिए WH क्वेश्चन के बारे में जानिए। जैसा कि मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए क्या होता है कि इज़ और यहाँ तो एक्जुलरी वर्ब से रिलेटेड, यानी वर्ब टू बी के बारे में जितने भी सेंटेंस थे वो मैंने, यानी कि 4 तरह के सेंटेंस थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उसको कर लिया गया है। अब यहाँ पर WH क्वेश्चन के बारे में बात किया जा रहा है। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं ये आप समझिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं ये भी। तो देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये देखिए, सिंगुलर और नंबर और प्लुरल नंबर में इंटरोगेटिव। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कि WH क्वेश्चन, W और S से जो स्टार्ट होते हैं जो वर्ड क्वेश्चन के रूप में, यानी कि जिसे प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जब दो व्यक्ति जब होते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति, ये यहाँ पर एक व्यक्ति A है और ये व्यक्ति, ये दूसरा पर्सन B है, तो इन दोनों में जब बातचीत होता है तो पहला व्यक्ति अगर बात करता है तो क्वेश्चन ही करता है। जब भी आप किसी से मिलेंगे तो पहले प्रश्न ही होता है, या B भी अगर स्टार्ट करता है तो जवाब देने के बाद वापस वो क्वेश्चन ही करता है। तो क्वेश्चन करने अगर आप सीखते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रेड से मैंने इंडिकेट किया, इसका मतलब कि रेड से ही, ये जो रेड से लिखा हुआ व्हेन, इसके बारे में ये होने वाला है। व्हाट और वेयर के ऊपर जो वीडियोस आ चुके हैं, अब यहाँ पर जो है व्हेन के ऊपर वीडियोज़ आएंगे। तो खैर देखिए, 8 तरह के होते हैं ये WH क्वेश्चन, और ये 8 तरह के WH क्वेश्चन को पहले तो याद कर लीजिए आप। तो याद करने के बाद करना क्या होगा कि इसे एज इट इज़ लिखना है। जैसे व्हाट से जो भी सेंटेंस बनेंगे तो पहले तो व्हाट ही रहेगा, उसके बाद ही कुछ इंग्लिश में लिखा जाएगा। जैसे कोई भी, जैसे व्हाट होगा, इसके बाद इज वाला है तो इज़ होगा, और इधर आर है तो आर लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये ही पैटर्न है, इसी पैटर्न पर जो आगे बात होगा। तो मेरे साथ है, जिनको नहीं पढ़ने आता बोलिए, एक बार बोलेंगे तो क्या होगा कि आपके जवान पर जब आएगा, इंग्लिश के वर्ड जब आएंगे तो ऑटोमेटिक लगेगा कि हाँ आपको इंग्लिश बोलना इजी आपके लिए है।
तो क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट मीन्स याद कर लीजिए, व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, व्हाई मीन्स क्यों होता है, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, और हुज मीन्स किसको, किसका होता है। देखिए जहाँ अब ये हु और विच जो है अफर्मेटिव और निगेटिव में जो है जो के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन निगेटिव में और निगेटिव इंटोगेटिव में हु जो है वो कौन बन जाता है, यानी कि यहाँ पर कौन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया सेंटेंस चार तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव में जो है डब्ल्यूएच क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, करना होता है इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो पहले इंट्रोगेटिव की बात करेंगे क्योंकि वेन से है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर, यानी कि प्रश्नवाचक जो कि डब्ल्यूएच से स्टार्ट होंगे, यानी क्वेश्चन से, जिसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से को लेकर सेंटेंस बनाना, यानी प्रश्न करना सीखना होगा। प्रश्न करना सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक्चुअल होता क्या है कि छोटे छोटे सेंटेंस लोग बोलते हैं लेकिन प्रश्न करते समय हिचकिचाते हैं कैसे बोले। दोस्तों देखिए, आप अगर बिल्कुल भी नहीं कुछ जानते हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, खासकर जो हमारी आबादी है, आबादी की आधी आबादी तो महिलाएं हैं, और उनमें अगर सीखने का जोश है तो बहुत कुछ वो सीखेंगी और बहुत सारे लोगों को सिखाएंगी। देखिए जितना भी आपको आता है कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता है बस उसी चीज़ को सीखना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए इस तरह से जो है प्रश्न करना चाहिए, किस तरह से, जैसे देखिए तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में होता है आई, और इसी को लेकर जो सेंटेंस बनेंगे, व्हेन एम आई, मैं कब हूँ, व्हेन इसका प्लूरल होता है, आई का वी होता है और एम का यहाँ आर हो जाएगा, तो व्हेन आर वी, हम लोग कब हैं, हम कब हैं, हम कब हैं, है ना। सेकंड है व्हेन आर यू, इसका भी प्लूरल हो जाएगा व्हेन आर यू, कोई डिफरेंसेस नहीं रहता यू में। तो ये देखिए ये है हमारा सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट को ही चेंज कर सकते हैं आप अपने अनुसार, यानी तुम कब हो, इसके जगह आप भी बोल सकते हैं आप कब हो, तुम लोग कब हो, आप लोग कब हो। नेक्स्ट है व्हेन इज सी, है ना, और व्हेन आर दे, इसका प्लूरल होगा व्हेन आर दे, सी का प्लूरल होता है दे, तो हो जाएगा व्हेन आर दे, व्हेन इज सी, यानी कि वह कब है, वे लोग कब हैं। देखिए सेंटेंस को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन पहले बेसिक चीज़ को पकड़ना होगा, बेसिक चीज़ जैसे कि यहाँ आई के बाद डॉट डॉट करके या कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। जैसे व्हेन, अब ये देखिए व्हेन इज सी, वह कब है ना, व्हेन आर दे, वे लोग कब हैं, वे लोग कब हैं। तो ये चीज़ जो है अपने दिमाग में आप बना के रखिए, जैसे ही ये पैटर्न याद रहेगा तो आपको बहुत ही काम आने वाला है। नेक्स्ट देखिए है दोस्तों, व्हेन इज इट, यह कब है, इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है सबको याद रखिए, इट का प्रयोग होता है मौसम में, यानी कि एटमोसफेयर के लिए, मौसम समय बताने के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, प्राणी के लिए, ये सब जो है इसमें इट का प्रयोग करते हैं। तो एक बार तो उनको बोलते, दूसरा बार तो उनके जगह जो है इस चीज़ का इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी का प्लूरल होता है इट का दे, और कैसे बोलेंगे, व्हेन आर दे, ये सब कब हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज इट, व्हेन इज दिस, व्हेन इज दिस, यह कब है, इज दिस का प्रयोग जो है नज़दीक के सेंस में होता है, व्हेन इज दिस, व्हेन आर दिस, दिस का प्लूरल होता है दिस, ये सब कब हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज दैट, दैट का प्रयोग वह के लिए होता है जो कि दूर के सेंस में होता है, वह कब है, व्हेन आर दोज, वे सब कब हैं। कॉपी पे लिखते चलें स्क्रीनशॉट लेने के बाद, जो कि लास्ट में होगा वीडियो देखने के बाद, व्हेन इज दैट, व्हेन इज दिस बॉय, व्हेन आर दिस बॉयज, यानी कि दोस्तों यह लड़का कब है, ये लड़के कब हैं, व्हेन इज दिस मैन। देखिए ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बदलकर एक अपने अनुसार जो आप कुछ बोलना चाहते हैं कब से रिलेटेड, जैसे कब आएगा या बहुत सारे जो बनेगा, तो आगे भी जो है तो सब में वेन का इस्तेमाल करेंगे। तो खैर यहाँ पर इज दिस, इज वाले में, आर वाले में वेन का इस्तेमाल हो रहा है, तो हर एक तरह के जो सेंटेंस बनेंगे वेन से। तो ये देखिए वेन, वेन इज दिस, दिस मैन के बाद वेन आर दीज मैन, दीज मैन, यानी दिस का प्लूरल दीज और मैन का प्लूरल मेन हो जाता है। दोस्तों ये है यह आदमी कब है, यह आदमी कब है, ये आदमी लोग कब हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज दैट गर्ल, व्हेन आर दोज गर्ल्स,
दैट का प्रयोग होता है दो, तो ये देखिए यहाँ पर है, ये गर्ल्स का हो गया, गर्ल्स, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। वह लड़की कब है, वे सब लड़कियाँ कब है। नेक्स्ट है व्हेन इज दैट डॉग, व्हेन आर दोज डॉग्स, वे कुत्ते कब हैं, वे सब कुत्ते कब हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखिए व्हेन इज माय फादर, व्हेन इज माय फादर, व्हेन आर माई का प्लूरल होता है आवर, योर हो जाएगा माई योर, है ना, तो यहाँ पर आवर ही रहेगा, ठीक है, योर नहीं, योर का योर्स हो जाएगा। तो देखिए मेरे पिताजी कब हैं, मेरे हमारे पिताजी कब हैं, हमारे पिताजी लोग, व्हेन इज योर ब्रदर, व्हेन इज योर ब्रदर्स, है ना, यानी कि तुम्हारा भाई कब है, तुम्हारा भाई सब कब है, यानी तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई लोग कब हैं। व्हेन इज हिज अंकल, व्हेन आर देयर अंकल्स, हिज का प्लूरल हो जाएगा देयर और अंकल का अंकल्स, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये है उसके चाचा कब हैं, वे लोग के चाचा लोग, है ना, उसके चाचा कब हैं, वे लोग के चाचा लोग कब हैं। व्हेन इज योर, व्हेन इज हर आंटी, अब बदलते रहिए अपने अनुसार बदलिए, व्हेन आर देयर, यहाँ पर आंटी कर देना है तो आंटी लिख लीजिए, व्हेन आर देयर आंटी, उसके उसके चाची कब हैं, वे लोग के चाची लोग कब हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज हिज सिस्टर, है ना, व्हेन आर देयर सिस्टर्स, हिज हिज मीन उसका या उसकी, उसका बहन कब है या उसकी बहन कब है, वे सब के या वे सब की बहनें कब हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज द हाउस ऑफ दिस मैन, ये सब्जेक्ट हमारा द हाउस ऑफ दिस मैन, यहाँ भी देखिए द हाउसेस ऑफ दीज मैन्स, यानी व्हेन आर है ये, व्हेन इज, इस आदमी का मकान कब है, यह आदमी लोग के मकानें कब हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज योर पेन, व्हेन आर आवर्स पेन, मेरा कलम कब है, हम लोग की कलमें कब हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से, व्हेन इज हर मोबाइल, व्हेन इज देयर मोबाइल, उसका मोबाइल कब है, वे सब की मोबाइलें कब है, बहुत सारे मोबाइल के बारे में है रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये है दोस्तों व्हेन इज शिव, व्हेन आर मिसेस शिव, नाम के पहले मिसेस का इस्तेमाल किया था ताकि बहुवचन बन सके, प्लुरल बन सके, तो यहाँ अपने दोस्त का नाम लेके बोल सकते हैं ना, व्हेन इज शिव, शिव कब है, शिव लोग कब हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज सीता, व्हेन आर मिसेस सीता, सीता कब है, सीता लोग कब हैं। व्हेन इज राम्स, देखिए राम्स में एस ई एपोस्ट्रोफी है, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और याद रखिएगा इसका सीधा सीधी मतलब का होता है, तो का के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हेन इज राम सिस्टर, व्हेन आर मिसेस राम सिस्टर, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी, देखिए हिंदी क्या हो जाएगा, राम की बहन कब है, राम लोग की बहन सब कब हैं। व्हेन इज योर श्याम्स ब्रदर, व्हेन इज श्याम्स ब्रदर, व्हेन आर मिसेस श्याम्स ब्रदर, श्याम का भाई कब है, श्याम लोग या श्याम सबका भाई लोग कब है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्हेन इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, ये हमारा सब्जेक्ट है द ओल्ड ब्लाइंड मैन, यहाँ बड़ा हो गया लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट छोटे बड़े हो सकते हैं, तो यहाँ भी देखिए ओल्ड ब्लाइंड मैन हो जाएगा प्लुरल में, मैन का हो जाएगा मेन, वुमेन रहता तो वीमेन हो जाता। बूढ़ा अंधा आदमी कब है, बूढ़ा अंधा आदमी लोग कब हैं। व्हेन इज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ है, हिज का होगा देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसका कठिन समस्या कब है, वे सबके कठिन समस्याएं कब है। नेक्स्ट है व्हेन इज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हेन आर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसका कठिन आर्थिक समस्या कब है, वे सबके कठिन आर्थिक समस्याएं कब है। व्हेन इज द मैन ऑफ दिस हाउस, व्हेन आर द मेन ऑफ दिस हाउसेस, इस मकान का आदमी कब है, ये सब मकानों के आदमी लोग कब हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि एक बार फिर से जो है वीडियो को प्ले करेंगे और देखेंगे कैसे फास्ट पढ़ना है, अगर फास्ट पढ़ने आ जाएगा तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ऐसे पढ़ेंगे इसे।
वेन एम आई, वेन एम आई, वेन आर वी, वेन आर यू, वेन आर यू, वेन इज ही, वेन आर दे, वेन इज सी, वेन आर दे, वेन इज इट, वेन आर दे, वेन इज दिस, वेन आर दिस, वेन इज दैट, वेन आर दोज, वेन इज दिस बॉय, वेन आर दिस बॉयज, वेन इज दिस मैन, वेन आर दिस मैन, वेन इज दैट गर्ल, वेन आर दोज गर्ल्स, वेन इज दैट डॉग, वेन आर दोज डॉग्स, वेन इज माई फादर, वेन आर आवर्स फादर, वेन इज योर ब्रदर, वेन इज योर ब्रदर्स, वेन इज हिज अंकल, वेन आर देयर अंकल्स, वेन इज हर आंटी, वेन आर देयर आंटीज, वेन इज हिज सिस्टर, वेन आर देयर सिस्टर्स, वेन इज द हाउस ऑफ दिस मैन, वेन आर द हाउसेज ऑफ दिस मैन, वेन इज माई पेन, वेन आर आवर्स पेन, वेन इज हर मोबाइल, वेन आर देयर मोबाइल्स, देखिए वेन इज शिव, वेन आर मिसेस शिव्स, वेन इज सीता, वेन आर मिसेस सीता, वेन इज राम सिस्टर, वेन आर मिसेस राम सिस्टर्स, वेन इज श्याम्स ब्रदर, वेन आर मिसेस श्याम्स ब्रदर, तो ब्रदर्स की जगह यहाँ पर हो जाएगा ब्रदर्स, ठीक है, एस लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं, वेन इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, वेन आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, वेन इज हिज हार्ट प्रॉब्लम, वेन आर देयर हार्ट प्रॉब्लम्स, वेन इज हिज हार्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वेन आर देयर हार्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वेन इज द मैन ऑफ दिस हाउस, वेन आर द मैन ऑफ दिस हाउसेस। तो अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ताकि हमारे मेहनत को कुछ सम्मान मिल सके, तभी और इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। और शेयर कीजिए वैसे लोगों को जिनको इंग्लिश सीखना है वाकई में, उनको ज़रूर बताइए हमारे चैनल के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे इसी तरह का लिखा होगा उसको टच कर दीजिए, जिससे घंटी ये उसके बाद घंटी दबाइए, जिससे कि घंटी उठ जाता है। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरह का ये है, और हमारा प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि आप हमारे वीडियो तक शुरू से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, हम कुछ मिलते हैं, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।